बिगिनर हैं और आप भी ऐसी गाड़ियों को जो है चलाने की सोच रहे हैं, जो आज की इस वीडियो के थ्रू मैं बात करने वाला हूँ, प्रॉपर आप जो है इस गाड़ी को कैसे चला सकते हैं। और देखिए, सबसे पहले तो आपको गाइडेंस की बहुत जरूरत होती है। गाइडेंस में क्या चाहिए आपको, सबसे पहले जो इसके फंक्शंस हैं, टेक्निकल जो फंक्शंस होते हैं उनको आपको जानना बहुत जरूरी होता है, देन उसके बाद ही आप गाड़ी को जो है मूव कर पाएंगे। अगर आप एक बिगिनर हैं तो इस वीडियो के थ्रू मैं आपको बताने वाला हूँ किस तरीके से आप जो है अपनी गाड़ी को जो ड्राइव कर सकते हैं और गाड़ी इजीली जो है चला सकते हैं। ठीक है, हमारे पास देख सकते हैं ये गाड़ी है और इसको मैं आपको ड्राइव करके बताने वाला हूँ अगर आप एक बिगिनर हैं तो किस तरीके से आपको यहाँ पे चलाना है, पूरी इन्फॉर्मेशन मैं देने वाला हूँ। तो सबसे पहले तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, साथ ही साथ नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करके ऑल पे क्लिक कर लीजिएगा ताकि फ्यूचर में जब भी हम वीडियोज अपलोड करें तो उसका नोटिफिकेशन आपको हमारे वीडियो अपलोड करते मिल जाए। डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सोशल साइट्स के लिंक प्रोवाइड करवाए गए हैं, उनको जरूर से फॉलो कर लीजिएगा। देखो, सबसे पहले अगर आपको गाड़ी सीखनी है ना तो भाई इस तरीके का आपको फील्ड चाहिए बड़ा सा। ठीक है, वैसे तो भाई देखो क्या होता है कि बिना आप सीखे ना रोड पे जाने की कोशिश ना करें, क्योंकि बिकॉज इसमें कई सारे ऐसे फंक्शन है जो कि आपको इंस्टेंटली जो है समझ में नहीं आएंगे। ठीक है, तो इसलिए आप ऐसे फील्ड को चूज करिए जहां पे मतलब दूर दूर तक कोई ना हो। जैसे कि ये आप देख सकते हैं, मैंने यहाँ पे एक फील्ड को लिया हुआ है, इसको आपको एज ए प्रैक्टिकली मैं वो चीज बताने वाला हूँ। ठीक है, तो इसके बाद आपको गाड़ी को चलाने के लिए एक्चुअली में करना क्या होता है सब चीज मैं बताता हूँ। सबसे पहले मैं चलता हूँ ड्राइवर साइड में, ठीक है, और आपको करना क्या होगा, ठीक है, गाड़ी को स्टार्ट करने के लिए सब चीज आपको समझना है स्टार्टिंग से। सबसे पहले आपने गेट खोला, ठीक है, सबसे पहले गेट खोलने के बाद मैं आपको यहाँ पे इसके फंक्शन जो है बता देता हूँ। ठीक है, इसमें तीन चीजें यहाँ पे फंक्शन आपको समझना पड़ेगा। यहाँ पे आपको तीन पैडल दिए हैं, ये एक दो तीन पैडल दिए हैं। ठीक है, ये आपका एक्सीलेटर पैडल है, ये आपका ब्रेक पैडल है, एंड देन ये आपका जो है यहाँ पे कह सकते हैं इसको आपको जो है क्लच पैडल है। ठीक है, और ये तीनों का मेन रोल होता है जब भी आप गाड़ी ड्राइव करते हैं। ठीक है, तीनों का बहुत ही ज्यादा मेन रोल होता है। ठीक है, और भाई इन चीजों को आपको बहुत ज्यादा जानना जरूरी होता है। ठीक है, आप गाड़ी को चलाने के लिए सबसे पहले आपको मैं बताता हूँ क्या करना है। ठीक है, सबसे पहले आपकी ये गाड़ी यहाँ पे पार्क है तो आपको सिंपली अपनी गाड़ी में बैठ जाना है। सबसे पहले ठीक है, आपको गाड़ी में बैठना है। गाड़ी में आप बैठ गए तो सबसे फर्स्ट ऑफ ऑल अगर आप एक बिगिनर हैं ड्राइवर, ठीक है, तो आपको क्या क्या चीज़ें ध्यान में रखनी है पहले मैं आपको बता देता हूँ। ठीक है, यहाँ पे मैं भाई इसको इधर साइड में रख दूँ ताकि यहाँ से धूप ना आए। ठीक है, अब चलो भाई, अब सबसे पहले आपको क्या क्या चीज़ें फॉलो करनी है, आपको जो अपनी सीट को पहले फिक्स करना है। ठीक है, सबसे पहले आपको सीट पर बैठ जाना है कंफर्टेबली, जैसे आप देख सकते हैं अभी मैं बैठ गया हूँ। ठीक है, आपको दिख रहा होगा कंफर्टेबली आपको बैठना है सीट पर। ठीक है, कंफर्टेबल इस तरीके से मतलब आपकी सीट ना आगे होनी चाहिए ना पीछे, मतलब इतना होना चाहिए कि भाई आपका एक्सीलेटर बराबर दब जाए, ब्रेक बराबर दबे, एक्सीलेटर पैडल बराबर दब जाए। ठीक है, ये चीज जैसे आप देख सकते हैं मेरा तीनों ही चीज जो है इजिली जो है दब रहा है। ठीक है, तो इन चीजों को आपको ध्यान रखना है, तीनों ही पैडल आपको बराबर रखना है। ठीक है, फर्स्ट चीज। सेकंड चीज, जब आपकी सीट फिक्स हो जाए तो देन आपको करना क्या होगा, इस जो है सीट बेल्ट को आपको यहाँ पे इंस्टॉल कर लेना है। ठीक है, सीट बेल्ट आपको लगा देना है। इस सीट बेल्ट को लगाने के लिए आपको सिंपली इसको पुश करना है, इस तरीके से पुश करना है। ठीक है, पुश करने के बाद इसको यहाँ पे इसको ऐसे डाल देना, प्रेस कर देना, ये आपकी सीट बेल्ट ओके हो गई। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, अपना IRBM को जो है भाई सेट करना है। ठीक है, IRBM को सेट करना बहुत जरूरी है, इससे आपको पता चलेगा पीछे कोई गाड़ी तो नहीं आ रही है, बाइक साइकिल कोई भी एक्सेट्रा कोई भी हो सकता है। ठीक है, तो ये चीज आपको सेट करना है पहली चीज। ठीक है, और उसके बाद आपको आपको ORBM को चेक करना है, लेफ्ट वाला इधर से भी देखना है, और ORBM को ऐसे नहीं चपका के नहीं कि आपको गाड़ी दिखनी चाहिए, अपनी गाड़ी आपको नहीं दिखनी है, आपको पीछे ही गाड़ी देखनी है ना, पीछे गाड़ी तो आपको वो लास्ट वाला जो हैंडल दिख रहा है ना ऐसा रखना है कि पीछे से आपको पूरा व्यू दिखे। ठीक है, क्योंकि ये ब्लाइंड स्पॉट कुछ एरिया होता है तो आपको ये चीज समझना होता है। ठीक है, और यहाँ पे आपको इस जो है यहाँ पे इस चीज को भी आपको यहाँ पे सिंपली एडजस्ट कर लेना है। ठीक है, अब भाई इतना एडजस्ट करने के बाद आपको करना क्या होगा, अब सेट करने के बाद आपको सिंपली यहाँ पे गाड़ी को अपनी स्टार्ट कर देना है। ठीक है, पहले सबसे पहले चेक करना है आपके गियर को। ठीक है, अब गियर के फंक्शन को आपको समझना होगा, यहाँ पे आपके ये मार्क किया है फर्स्ट सेकंड थर्ड फोर्थ फिफ्थ और रिवर्स। ठीक है, अगर आपका ये मिडिल में मतलब मिडिल में क्या मतलब आप ऐसे रखेंगे ना ये मूव कर रहा है अगर आपका तो मतलब आपकी गाड़ी न्यूट्रल है। ठीक है, देख सकते हैं लेफ्ट राइट मूव कर रहा है तो न्यूट्रल है। ठीक है, फर्स्ट गियर डालने के लिए आपको इस क्लच को ऐसे प्रेस करना है और ये पहला गियर लगेगा, मतलब थोड़ा सा मूव करना है, इस चीज को ऐसे मूव करना है, फिर इसको फर्स्ट गियर लगेगा और वापस आपको रिवर्ट करना है तो डायरेक्ट ऐसे डायरेक्ट मत करना, आपको थोड़ा हल्का सा ये प्रेस करके ऐसे करना है, हल्का सा प्रेस करा ये आया अब आपको न्यूट्रल हो गया, फिर ये प्रेस करके ये सेकंड गियर लग गया। ठीक है, ये आपके गियर का फंक्शन हो गया। थर्ड गियर में ये सीधा आपको कर देना है, फोर्थ गियर में ये पीछे कर लेना है और फिफ्थ गियर में ये पीछे कर लेना है और रिवर्स करना है तो ये इधर करके थोड़ा सा जो है लेफ्ट करके और बैक ले लेना है। ठीक है, यहाँ पे आपका ये रिवर्स गियर भी लग गया। ठीक है, अब तो चलो ये थोड़े गियर के फंक्शन। ठीक है, ये सारा कुछ आपका क्लच पैडल को आपको पकड़ के लगना है क्योंकि ऑलमोस्ट आपको पता है ये कोई मैनुअल ऑटोमेटिक गाड़ी नहीं है तो आपको ये मैनुअली करना पड़ेगा। ठीक है, बस इतना फंक्शन आपको याद करना है। ठीक है, और यहाँ पे सबसे मेन चीज गाड़ी को चलाने से पहले भाई सबसे मेन चीज आपको इस हैंड ब्रेक को रिलीज करना है। हैंड ब्रेक को रिलीज करने के लिए डायरेक्ट ऐसे नहीं करना भाई, इसको हल्का सा उठाना है और इसको दबाना है, देन उसके बाद ऐसे छोड़ देना है। जैसे आप छोड़ेंगे ना यहाँ से आपको हैंड ब्रेक का ये सिंबल है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूंगा। देखो अभी हैंडल जो है इस तरफ हो गया। ठीक है, यहाँ से आपका हैंड ब्रेक चला गया। देखिए अभी मैं इसको लगाता हूँ, ये हैंड ब्रेक का सिंबल आ रहा है, देन इसको फिर से उठाया ऐसे ऐसे छोड़ दिया, हैंड ब्रेक आपका रिलीज हो गया। ठीक है, अब आपकी गाड़ी रेडी है चलने के लिए। ठीक है, अब आपको करना क्या होगा, ठीक है, यहाँ पे जो है आपको सिंपल जो है क्लच पकड़ना। ठीक है, मैं आपको इसको इस वीडियो के थ्रू भी यहाँ पे दिखा देता हूँ। ठीक है, अगर आपको दिख रहा होगा तो
ये देखो अब आपको करना क्या होगा, आपको सिंपली यहाँ पे पहले क्लच पकड़ना, ठीक है, ये देखो ये क्लच पकड़ा आपने, ठीक है, कुछ इस तरीके से आपको क्लच पकड़ना है। और क्लच पकड़ने के बाद आपको क्या करना है, ये जो इस आपका लेफ्ट फुट है ना, ये आपका राइट फुट है, राइट फुट से आपको दो चीज़ ऑपरेट करनी है, पहला ब्रेक ऑपरेट करना है, दूसरा आपको ऑपरेट करना है यहाँ पे सिंपली कह सकते हैं एक्सीलेटर को, ठीक है, ये इस तरीके से आपको ऑपरेट करना है, ठीक है। ये ऐसा नहीं कि आपको इस ये जो आपका लेग है ना, इसको आपको क्लच के लिए ही प्रॉपर यूज करना है, ठीक है। अब ये नहीं कि आप इसको यहाँ पे ला रहे हैं, ये गलत मेथड है, ये नहीं, खाली इसको आपको इस पैर का, इस लेफ्ट लेग का यूज आपको एक्सीलेटर ही पकड़ने में करना है। ये ब्रेक आपको हो गया आपका, ये हो गया आपका एक्सीलेटर, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा गाड़ी चलाने के लिए, सिंपल ये वाला दबाया आपने, ठीक है, उसके बाद आपने फर्स्ट गियर डाला, ये देखा आराम से फर्स्ट गियर डाला। अब आपको क्या करना है, अभी क्लच पे, अभी आपको एक्सीलेटर पे अभी आपको पैर नहीं रखना, और धीरे धीरे आपको क्लच छोड़ना है, ठीक है, इस तरीके से। अभी देख सकते हैं क्लच छोड़ेंगे आप, धीरे धीरे आपकी गाड़ी मूव करेगी, ठीक है, आपको हैंडल सीधा कर लेना है, इस तरीके से आपकी गाड़ी मूव करने लगे, बिना देखो एक्सीलेटर दिए आपकी गाड़ी मूव कर रही है, ठीक है, ये देख सकते हैं, ये गाड़ी मूव करने का मतलब आराम से इजिली जो है चल रही है, ठीक है। अब आपको करना क्या होगा कि अभी कुछ नहीं, आपको क्लच पे ऐसे ही प्रैक्टिस करनी है, कम से कम इजिली मतलब कह सकते हैं 2 से 3 दिन तक अगर आप प्रैक्टिस कर सकते आपको जल्दी आ गए तो बस इतना आपको प्रैक्टिस करके छोड़ देनी, ठीक है। अब आपको सेम इसी सिचुएशन में क्या करना है, एक बार बैक लेके देखना, देखो मैंने बैक लगाया सेम ऐसी, और उसके बाद क्या क्लच छोड़ा धीरे धीरे, ठीक है। अब गाड़ी जो है बैक जा रही है, देखो ये देखो, ठीक है, मैंने कोई भी एक्सीलेटर यहाँ पे पैडल नहीं रखा है, ठीक है, ये देखो धीरे धीरे, और आप गाड़ी की स्पीड देख सकते हैं, ठीक है, और आप हैंडल को भी पहले कंट्रोल करना सीखे किस तरीके से आपको हैंडल कंट्रोल करना है, ठीक है, ये देखो इस तरीके से आपको मूव लेफ्ट राइट अपना मूवमेंट देखना है, ठीक है, किस तरीके से, और लेफ्ट राइट मूवमेंट देख के आप जो है अपनी गाड़ी को जो है यहाँ पे जो है चला सकते हैं, ठीक है। और उसके बाद जो है मैं आपको यहाँ पे इधर की साइड में रोड में आता हूँ, देन आपको बताता हूँ कि और आपको करना क्या होगा उसके लिए, ठीक है। देखो ये अभी हम गाड़ी को जो है घुमा लेते हैं, देन आपको मैं बता देता हूँ। देखो मैं कहीं पे भी अभी एक्सीलेटर का कहीं पे भी यूज़ नहीं कर रहा हूँ, ठीक है, एक्सीलेटर का मेरा कहीं पे भी मूवमेंट भी नहीं है और ना ही मैं यूज़ कर रहा हूँ, ठीक है। अब देखो फिर से आपको, अब मान लीजिए अगर आप इतने में सीख गए ना, तो आपको करना क्या होगा, पहले गियर लगाना है, पहले हैंडल को सीधा, हैंडल को आप घुमा लीजिए, ठीक है, या आपने हैंडल घुमा लिया, ठीक है। अब देखो करना क्या होगा, अब आपको धीरे धीरे इस तरीके से आपको आपको अपना जजमेंट देखना है, ठीक है, क्योंकि जजमेंट ये चीज़ जरूरी है। अब जजमेंट आपको कैसे पता चलेगा, देखो क्या है कि आपको इतना याद रखना है कि आपकी गाड़ी कितनी है, लगभग मैक्सिमम 4 फुट की, ठीक है। अब 4 फुट में आपको याद रखना है कि भाई आपकी गाड़ी किधर की साइड, मतलब इधर कितना है, इधर कितना, आपको इतना थोड़ा मतलब एक हिसाब से ना आपको मेंटेलिटी बना के रखनी है। और कोशिश ये करें पहले जब स्टार्टिंग में करें इधर की साइड आप ज़्यादा दबा के चले, इधर की साइड मतलब क्योंकि आपको इस एरिया का दिख रहा है उस एरिया का नहीं दिख रहा, तो इतने इधर की साइड से अगर आप ज़्यादा मतलब लेके चले, ज़्यादा का मतलब जितना आपसे हो पाए कि हाँ भाई इतना चल सकते, जैसे आगे से भी इधर की साइड से भी गाड़ी आ रही है और उधर भी कोई गाड़ी खड़ी है, तो आप इधर जितना हो सके उतना मतलब ले चलने की कोशिश करें। इससे होगा क्या कि आपको भी एक आइडिया लग जाएगा, ठीक है, ये चीज़ रहता है, एक आइडिया लग जाएगा। अब आपको करना क्या होगा, देखो जब मान लो सब कुछ हो गया उसके बाद आपको फर्स्ट गियर फिर से डालना है, और उसके बाद आपको करना क्या होगा, ठीक है। अब देखो मैंने एक्सीलेटर से पैर हटाया, उसके क्लच एक्सीलेटर से पैर हटाया, ठीक है। सबसे पहले हम गाड़ी को सीधी कर लेते हैं, ये देख सकते हैं मैं गाड़ी को जो है सीधी कर लेता हूँ, ठीक है, इस तरीके से मैंने गाड़ी को सीधी करी। और यहाँ पे अब आपको करना क्या होगा, यहाँ पे धीरे धीरे इससे एक्सीलेटर से जो चलना है, ठीक है, ये देखो अब धीरे धीरे आपको एक्सीलेटर इस तरीके से देना है, देख सकते हैं मैंने एक्सीलेटर देना शुरू कर दिया, ठीक है, एक्सीलेटर देना शुरू कर दिया। अब इसी से ब्रेक भी मारना, देखो ये देखो ब्रेक मारा, हमारी गाड़ी रुक गई, देखो ये रुक गई, ठीक है। अब फिर क्या छोड़ना है क्लच, एक्सीलेटर देना है, ठीक है, इस तरीके से मतलब इस तरीके से आपको गाड़ी चलानी है, और इस फर्स्ट गियर को आपको रिवाइज करना है कम से कम 5 से 6 दिन। अब इसी तरीके से मैं आपको बताता हूँ यहाँ पे करना क्या होगा। अब जो है आगे का काम मैं आपको बता देता हूँ भाई क्या है। अब देखिए आपको करना क्या है, जब पहले दिन आप सीख जाएं तो उसके बाद आपको अपनी गाड़ी को ऐसे ले चलनी है, ठीक है। आप मतलब खाली फील्ड में सीखें ज़्यादा, आपके लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी मिल जाएगी, ठीक है। उसके बाद आपको सेकंड गियर, जब आपकी गाड़ी की स्पीड 20 हो जाए ना, तो आपको यहाँ से क्लच पकड़ के आपको सेकंड गियर डालना है, ठीक है। पहले मैं इसको गाड़ी को रोड में लेता हूँ, वैसे तो जब आप सीख जाएं तभी आप अपनी गाड़ी को भाई प्रॉपर रोड में ले तो ज़्यादा बढ़िया, ठीक है। फिलहाल देख सकते हैं मैं मतलब आपको बता रहा हूँ कि मतलब क्या चीज़ होती है। अब देखिए आपकी गाड़ी की जो स्पीड है वो लगभग 20 हो चुकी है, ठीक है। अब इस गाड़ी की जो स्पीड जैसे ही 20 होगी तो आपको यहाँ पे क्लच जो है दबाना है, उसके बाद आपको जो है यहाँ पे डायरेक्ट सेकंड गियर शिफ्ट करना है, ठीक है। ये देखो ये जा रहा है, अब आपको यहाँ पे क्लच पकड़ना है, मैं आपको दिखाने की कोशिश करूँगा, ठीक है। अभी सेकंड गियर जब डालूंगा मैं तो वो चीज़ मैं आपको दिखाने की बिल्कुल कोशिश करूँगा, ठीक है। अब देखो मैं आपको दिखाता हूँ यहाँ पे, अब आपको करना क्लच पकड़ा, ठीक है, यहाँ से सेकंड गियर डाला, फिर से एक्सीलेटर तुरंत देना है, मतलब इंस्टेंट, ये तो आपकी गाड़ी जो है वाइब्रेट करेगी और गाड़ी हो सकता है बंद भी हो जाए, ठीक है। इस वजह से आपको तुरंत ये चीज़ तुरंत करनी है, ठीक है। अब देखिए सेकंड गियर में आपको लगभग 30 तक टच करना है, देन उसके बाद जो है आपको यहाँ पे फिर से आपको क्लच पकड़ना है, ठीक है। आप देखो ये हुआ ब्रेक लिया, यहाँ ब्रेकर भी आया ना बीच बीच में, जहाँ जहाँ ब्रेकर आ रहा है आपको क्लच के साथ जो है ब्रेक भी यहाँ पे करना है, ठीक है। अब ये चलना है, ठीक है, कुछ इस तरीके से, और यहाँ पे आप जो है आपको थर्ड गियर सेकंड गियर डालना है, ठीक है। सेकंड गियर डालने के बाद आपको अब जैसे आपकी गाड़ी 30 हो गए तो आपको थर्ड गियर डालना पड़ेगा, ठीक है। अब थर्ड गियर डालने का मतलब आप कैसे डालेंगे मैं आपको बता देता हूँ। देखो अभी
यहाँ पे मैं आ जाता हूँ, ठीक है, साथ में। और आपको ये इस तरीके से पकड़ना है, आराम से इजीली थर्ड गियर डालना है, तुरंत एक्सीलेटर देना है। मतलब ये काम ना बहुत ज़्यादा इंस्टेंट होना चाहिए, ठीक है। अगर आप थोड़ा सा भी लेट करते हैं तो भाई दिक्कत हो सकती है, आपकी गाड़ी बंद भी हो सकती है, ठीक है। तो भाई इस तरीके से आप गाड़ी सीख सकते हैं इजीली। फिर उसके बाद धीरे धीरे आप जब प्रैक्टिस करेंगे ना, तो इस तरीके से चौथे गियर डालना है, ठीक है। तो इस तरीके से आप जब अच्छे से सीख गए प्रॉपर तरीके से, ठीक है, अपना साइड आप ले लें भाई, साइड समझना बहुत जरूरी है। अगर आपने साइड समझ लिया तो फिर भाई डेफिनेटली आपका काम हो गया। अब देख सकते हैं भाई इस तरीके से यहाँ पे कभी कभी ब्रेकर आ जाते हैं, तो यहाँ पे आपको साइड समझना बहुत जरूरी होता है, जो कि मेक श्योर करना अपनी गाड़ी को लेकर ना, क्योंकि भाई साइड अगर आप समझ नहीं पाए तो भाई आपकी गाड़ी हो सकता है कहीं भाई दिक्कत हो जाए आपको, ठीक है। ये चीज़ें होती हैं जो कि आपको ये देखने को मिल जाती है, तो आपको इजीली जो है अपनी गाड़ी को निकाल लेना, ठीक है। तो दोस्तों होपली इस तरीके से मैंने पूरा एक्सपीरियंस जो है शेयर किया, किस तरीके से आपको गाड़ी सीखनी है। तो दोस्तों वीडियो को लाइक कीजिएगा, वीडियो को शेयर कीजिएगा और वीडियो जरूर से शेयर कीजिएगा दोस्तों, अगर आप बिगिनर हैं तो। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तो थैंक यू सो मच।